मिलक नगर में हुई चोरियों का 10 दिन बाद भी खुलासा नहीं, लोगों में रोष व्याप्त। मिलक में 15 तारीख की सुबह 4 बजे एक के बाद एक 5 दुकानें चोरों ने काट ली। एक ही तारीख एक ही समय था, चोरों ने बड़ी फुर्ती से इस काम को अंजाम दिया। उन्होंने माल को हाथ भी नहीं लगाया मगर गल्ले को पूरा साफ कर दिया, यानी उनका टारगेट सिर्फ पैसा था। नगर के विलासपुर रोड पर मोनू गर्ग की बिजली की सामान की दुकान है, उनकी भी दुकान कटी। उनकी दुकान में से सीसीटीवी लगे, इसमें चोरों को साफ देखा जा सकता है। उस सीसीटीवी फुटेज को उन्होंने पुलिस को उपलब्ध कराया। उस फुटेज में चोरों ने शटर काटकर दुकान में चोरी करते साफ साफ देखा जा सकता है। नगर कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष महेंद्र गंगवार ने संबंध में पुलिस अधीक्षक श्री अजय पाल शर्मा को ज्ञापन सौंपा है और इन चोरियों का जल्द खुलासा करने की मांग की है। हिंदुस्तान न्यूज 24 मिलक से विकास वशिष्ठ की रिपोर्ट। क्या नाम है भैया? मेरा नाम साहब सुमित गुप्ता है। सुमित गुप्ता, जिस दिन दुकान कटी थी आपकी? ये साहब सोमवार थी, सुबह कटी थी 15 तारीख में। 15 तारीख को कटी? 4 बजे। 4 बजे कटी थी जी साहब। अच्छा, कुछ आपके सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ? यहाँ साहब बराबर हुआ था, सीसीटीवी कैमरा उसमें चेक करा था। हाँ, तो दो लोग थे साहब। अच्छा, और ढाटा बांधे हुए थे, ढाटे तो लगे भाई दिन पर ढाटा बांधे हुए थे जी। अच्छा, कोई वाहन था उनके पास, कोई गाड़ी वगैरह? बाइक थी साहब, हरे कलर की बाइक थी, हरे कलर। उसमें नंबर नहीं था साहब गाड़ी का। नंबर नहीं था जी? सीसीटीवी में था, ये आया जी नंबर? हाँ, नंबर नहीं आया। अच्छा अच्छा, तो आप तहरीर दिया थाने में, कोई रिपोर्ट दर्ज कराई? हाँ, रिपोर्ट दर्ज कराई था, लिखी थी। अच्छा, तो राजेश साहब तो, क्या नाम था? राजेश, राजेश दरोगा जी ने जी। अच्छा अच्छा, क्या कहा रहा उन्होंने? क्या कहा? उस दिन आया उन्हें चेक करा, फिर दोबारा से लौटे नहीं मेरे पास। दोबारा लौटे नहीं जी? आपने मालूम करने की कोशिश करी उनसे? नहीं, अभी तो नहीं दिया मालूम करना दोबारा में, अभी नहीं करा जी। जी, क्या लगता है आपको? अभी तक तो आप सुना नहीं, तो सुना था, अब क्या पता सुना नहीं। आप दोबारा मिलेंगे उनसे? दोबारा साहब मिलने जाते। क्या नाम है आप? मेरा नाम विकास मोनूकर है। अच्छा, कितने दिनों गए आपकी दुकान को कटे हुए? ये सर 15 जुलाई को कटी है। 15 जुलाई को सुबह 4:30 बजे। लगभग कितना नुकसान हो गया होगा आपके अनुसार? नुकसान तो सर वैसे सामान से तो नहीं बोले थे वो लोग जी, केवल उन्होंने गल्ले पे आके अटैक किया था और गल्ला तोड़ के जो भी पैसे थे उसमें 7-8 हजार रुपए और जरूरी कागजात थे वो सब भर के ले गए। सब भर के ले गए। उसका हमारे पास सीसीटीवी फुटेज भी है। अच्छा, उसमें एक लड़का साफ दिख रहा है। हाँ। दो लड़कों ने शटर उठाया है। अच्छा, एक लड़का बाहर रहा है, दूसरा लड़का अंदर आके उसके हाथ में एक सब्बल था। अच्छा, उसने उस सब्बल से इस गल्ले को तोड़ा और वो सारे पैसे और कागज ले गया। लगभग क्या समय रहा होगा उस समय? सर 4:24 की घटना आई है। 4:24 की सुबह तड़के के। अच्छा, लोगों को दिखाया जो लड़का जो सीसीटीवी में आया है, कौन है, पहचान हुई? काफी लोगों ने देखा है, कम से कम मैं मानता हूँ 400-500 लोगों ने तो देख लिया। अच्छा, और वीडियो भी वायरल हुआ है। पहचान नहीं हो पाई? अब तक उसको पहचान नहीं पाया। अच्छा, इस संबंध में थाने में तहरीर दी? थाने में हमने तहरीर दी जी। क्या नाम है? जोर से बोलिए। तनुजा सिंह। आपकी दुकान में चोरी हुई जी? कब की बात है? 15 तारीख। 15 तारीख जुलाई जी। क्या क्या नुकसान हुआ आपका? लगभग कितने पैसे का नुकसान हुआ? कितना क्या सामान गया? 3,000 तो कैश ही थे जी। और बाकी मतलब 8-10 हजार का सामान भी ले गए। सामान ले गए जी। और एक मोबाइल भी ले गए 20,000 का। 20,000 का लगभग मोबाइल था। अच्छा अच्छा, इस संबंध में आपने थाने में कोई FIR कोई तहरीर दी? हाँ जी, तहरीर दी। किससे बात हुई थी आपकी? हल्का इंचार्ज से? राजेश सर से बात हुई। राजेश जी से बात हुई। अच्छा, तो क्या कहा उन्होंने आपसे इस संबंध में? इंक्वायरी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं वहाँ से मिली भी है कुछ लड़कों के फिंगरप्रिंट्स वगैरह भी मिले, वो कर रहे हैं इंक्वायरी। फिंगरप्रिंट्स की बात किसने कही थी? उन्होंने मतलब कैमरे में आया है वो लड़का। अच्छा, क्या सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है? बिलासपुर रोड पर। बिलास वो मोनू गर्ग के? आपके यहाँ तो नहीं लगाया नहीं। तो आपके बारे में क्या कहा उन्होंने? कैसे कर रहे हैं शायद जांच कर रहे हैं, ऐसा कुछ कहा था जी, जी। तब कितने दिन हो गए? 15 तारीख को हुआ था। अच्छा, एक हफ्ते से ज्यादा हो गए। एक हफ्ते बाद आपने पूछा कि क्या प्रगति हुई? हाँ, कहा गए थे उनके पास। क्या बताया उन्होंने? उन्होंने ये कहा था आपसे ज्यादा मुझे फिक्र है। फिक्र है? हाँ, मैं कर रहा हूँ। अच्छा, तो प्रगति के बारे में नहीं बताया, क्या प्रगति हुई, कुछ कहाँ तक पहुँचे? जी, आप कांग्रेस कमेटी में? हाँ, कहा जिला उपाध्यक्ष। किस पद पे हैं? जिला उपाध्यक्ष। तो आपने SP साहब को ज्ञापन दिया, किस संबंध में दिया? ये मिलक में तोड़ तोड़ चोरियाँ हो रही हैं जी। इससे पहले 5 दुकानें कटी थी, अभी 4-5 दिन पहले बड़े नगर में 3-4 घरों में उसके चोरों ने
उत्पात मचाया वहाँ लूटपाट की जी। अभी तक किसी भी घटना का पुलिस द्वारा संज्ञान में न लेते हुए और उसे खुलासा नहीं कर पाई। इस संबंध में आपने किसी उच्च अधिकारी से SDM से या CO से इस संबंध में बात की? ना ना ना, फिर हमने कप्तान साहब से मिले और उन्होंने ज्ञापन देकर हमने कहा खुलासा करने की मांग की जी। क्या आश्वासन दिया? उन्होंने कहा ठीक है, हम इसको जांच करा रहे हैं और जल्दी से सीओ इसका निस्तारण करेंगे। उम्मीद है आपको क्या जल्दी ये खुलासा हो जाएगा? हमें ऐसी पुलिस की प्रक्रिया से मालूम पड़ रहा है कि मतलब ठंडे बस्ते में डाल दिया है क्या करूँ सब, और कोई उम्मीद नहीं है। क्यों लगता है आपको क्या तो ठंडे बस्ते में डाल दिया है? नहीं नहीं, उसमें मोनू घर वाले चोरों का बाइक का फोटो आ गया है कैमरे में जी। इसके बावजूद लाइन मतलब फोन चोरी हुए हैं, दो फोन मेरे गए हैं, दो एक फोन उनका सरज सिंगल जी का गया है जी। अभी कोई प्रक्रिया दिखानी पड़ रही कि उन्होंने क्या कार्रवाई करी, उन्होंने क्या नहीं करी। अभी मैं गया था कोतवाली तो वहाँ FIR दर्ज भी शायद नहीं की गई अभी तक। अच्छा, मैं समझता हूँ हल्का दरोगा जैसे आप मिले। हाँ, वो एक दिन मुझे मिले तो उन्होंने कहा कि भाई आपका हमने मोबाइल उस पर लाइन्स पर लगवा दिया, सर्विलांस पर समय लगा दिया, आप जैसे ही कुछ होगा तो हम कार्रवाई करेंगे। राजेश कस्बे कस्बे राजेश कुमार नाम कस्बे का।